Good morning, students. Today we'll start the topic animals give us useful things. Animals से हमें बहुत ही लाभदायक चीज़ें मिलती हैं. बिफोर स्टार्टिंग दिस लेट्स हैव अ क्विक रिविज़न जो हम लोग कल पढ़े थे. कल हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में जाने, ऐसे एनिमल जिन्हें खेत में रखा जाता हो या फिर अपने घर के बैकयार्ड में रखा जाता हो, घर के पीछे उनका घर बनाकर रखा जाता हो, उन्हें क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं. पेट एनिमल जिनको अपने हम घर के अंदर रखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पेट एनिमल्स बोलते हैं. उसके बाद हम जाने थे कि एनिमल्स से हमें क्या क्या फूड मिलते हैं. एनिमल्स से हमें मिल्क मिलता है, एग्स मिलता है, मीट मिलता है और हनी भी मिलता है. दीज आर द फूड दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. उसके बाद हम जाने थे कि एनिमल्स हमारे काम में कैसे हेल्प करते हैं. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो क्रॉप्स ग्रो करने में हेल्प करते हैं, जैसे खेती करने में हेल्प करते हैं. प्लॉइंग फील्ड मतलब खेत जोतने में या फिर दे ऑल्सो हेल्प टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल से, कुएं से पानी निकालने में हेल्प करते हैं. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लोड कैरी करते हैं, बोझ ढोते हैं एक जगह से दूसरे जगह. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कार्ट्स चलाने में यूज़ करते होते हैं. फॉर एग्जांपल हॉर्सेस, बुलक्स, कैमल्स. कुछ एनिमल्स कार्ट्स चलाने में, गाड़ियाँ चलाने में यूज़ होते हैं. कुछ एनिमल्स राइडिंग के लिए भी यूज़ होते हैं, जैसे हम लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं, कैमल राइडिंग होता है, एलिफेंट राइडिंग होता है. तो इस तरह एनिमल्स लोगों के काम आते हैं. आज हम पढ़ेंगे एनिमल्स से हमें क्या क्या यूजफुल थिंग्स मिलते हैं. फ्रॉम शीप मतलब भेड़, वी गेट वुल. शीप से ऊन बनाया जाता है, वुल बनाया जाता है. अ शीप्स बॉडी इज कवर्ड विद सॉफ्ट डेंस हेयर. जो शीप का बॉडी होता है, भेड़ का जो बॉडी है वो बहुत ही हेयरी होता है. उनका जो बॉडी है घने घने बालों से भरा हुआ रहता है. वुल इज़ मेड फ्रॉम दिस हेयर. और वुल कहाँ से बनता है? वुल मतलब ऊन. ऊन कहाँ से बनता है? उनके हेयर से बनता है. वॉर्म वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम वुल. जितने भी वुलन क्लोथ्स हैं सब किससे बनते हैं? वुल से बनते हैं. वी ऑल्सो गेट वुल फ्रॉम गोट्स, रैबिट्स एंड याक्स. वुल हमें और कौन कौन एनिमल से मिलते हैं? शीप से तो मिलता ही है, कोट से भी मिलता है, रैबिट से भी मिलता है और याक से भी मिलता है. और इनके हेयर से क्या बनाया जाता है? वुल बनाया जाता है, ऊन बनाया जाता है. सी द पिक्चर, दिस इज शीप. उनके हेयर को निकाला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है. हेयर निकाल कर क्या होता है? मॉडिफाई करके फैक्ट्री में वुल बनाए जाते हैं और वुल से फिर क्या बनता है? वुलन क्लोथ्स बनते हैं. वी मेक लेदर From the skin of dead animals like cows, buffaloes, horses, camels, snakes, etc. Leather मतलब LEATHER, leather मतलब चमड़ा. और चमड़ा जो है वो किससे मिलता है हमें? स्किन ऑफ डेड एनिमल से. जो एनिमल डेड हो जाते हैं उनके स्किन को निकाल कर क्या बनाया जाता है? लेदर बनाया जाता है. लेदर इज़ यूज टू मेक शूज़, बेल्ट्स, जैकेट्स, वॉलेट्स. लेदर से क्या बनता है? शूज़ बनता है, बेल्ट्स बनते हैं, जैकेट्स एंड वॉलेट्स. वॉलेट्स मतलब पर्स. और भी बहुत सारी चीज़ बनाई जाती है. और लेदर कहाँ से मिलता है? स्किन ऑफ डेड एनिमल से. नेक्स्ट इज वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स. सिल्क हमें किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से. सिल्क वॉर्म इज़ अ काइंड ऑफ एन इंसेक्ट. और सिल्क वॉर्म से क्या मिलता है हमें? सिल्क मिलता है. सिल्क इज़ यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. और सिल्क हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? क्लोथ्स बनाने में, लाइक साड़ीज, कुर्ताज एक्सेट्रा. सिल्क का क्या बनता है? साड़ी बनता है, कुर्ता बनता है और भी बहुत बनता कुछ बनता है. तो सिल्क किस लिए यूज़ होता है? क्लोथ्स बनाने में. इधर हम क्या पढ़े? लेदर हम लोग क्यों बनाते हैं? लेदर से हम लोग क्या करते हैं? लेदर से हम लोग शूज़ बनाते हैं, बेल्ट बनाते हैं, जैकेट्स बनाते हैं, वॉलेट्स. वॉलेट्स मतलब ये जो पर्स है उसको बोलते हैं वॉलेट. वॉलेट्स बनाते हैं और भी बहुत कुछ बनाते हैं. इधर हम पढ़े सिल्क से क्या बनता है? सिल्क से क्लोथ्स बनते हैं, सिल्क क्लोथ्स बनते हैं. फॉर एग्जांपल साड़ीज बनती है, कुर्ताज बनते हैं. सिल्क क्लोथ्स आर वेरी सॉफ्ट, स्मूथ एंड शाइनी.
सिल्क के जो क्लोथ्स होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, स्मूथ होते हैं और शाइन करते हैं, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव. EXPENSIV, एक्सपेंसिव. सिल्क के जो क्लोथ्स होते हैं सॉफ्ट होते हैं, स्मूथ होते हैं, शाइनी भी होते हैं, चमकते भी हैं, लेकिन वो बहुत ही महंगे होते हैं. एक्सपेंसिव मतलब महंगा. सिल्क क्लोथ्स महंगे होते हैं. नाउ द नेक्स्ट. द डंग ऑफ सम एनिमल्स लाइक काउज एंड बफलोज इज यूज टू मेक मैन्योर. डंग मतलब गोबर. तो काउज और बफलोज के जो डंग है, गोबर है, उन्हें किस लिए यूज़ किया जाता है? मैन्योर बनाने में. मैन्योर मतलब खाद बनाने में. और हम पहले ही जान चुके हैं कि हम लोग मैन्योर क्या करते हैं, सॉइल में मिक्स करते हैं ताकि क्रॉप्स का ग्रोथ अच्छा हो. मैन्योर इज स्प्रेड ओवर और मिक्स्ड विद द सॉइल इन फील्ड्स. मैन्योर कहाँ यूज़ किया जाता है? सॉइल पे डाला जाता है या फिर सॉइल में मिक्स किया जाता है फील्ड्स में, खेत में. मैन्योर हेल्प्स इन ग्रोइंग क्रॉप्स. और मैन्योर क्रॉप्स के ग्रोथ में हेल्प करता है. ड्राइड डंग इज ऑल्सो यूज एज फ्यूल. ड्राइड डंग मतलब जो गोबर के उपले बनते हैं, ठीक है, उन्हें क्या यूज़ किया जाता है, किसे यूज़ किया जाता है? फ्यूल की तरह. फ्यूल मतलब बहुत सारे अभी भी गांव में क्या होता है कि उन पे खाना बनाया जाता है. सी हियर इन दिस पिक्चर, काउ डंग, ड्राइड डंग को क्या यूज़ किया जा रहा है? कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है. नाउ विल सी पॉइंट्स टू रिकॉल. अब हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े. डोमेस्टिक एनिमल्स आर यूजफुल एनिमल्स एंड वी कीप देम विथ अस. डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं बहुत ही यूजफुल एनिमल्स होते हैं और हम उन्हें अपने साथ रखते हैं. वी कीप सम एनिमल्स इनसाइड आवर हाउसेस एज पेट्स. कुछ एनिमल्स को हम अपने घर के अंदर रखते हैं और उन्हें हम क्या बोलते हैं? पेट्स बोलते हैं, पेट एनिमल बोलते हैं. नेक्स्ट इज एनिमल्स गिव अस फूड लाइक मिल्क, एग्स, मीट एंड हनी. एनिमल्स से हमें फूड मिलता है और क्या क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, एग्स मिलता है, मीट मिलता है और हनी मिलता है. हनी मतलब शहद. सम एनिमल्स आर यूज फॉर प्लॉइंग एंड इरीगेटिंग फील्ड्स. कुछ एनिमल्स को प्लॉइंग करने में यूज़ किया जाता है. प्लॉइंग मतलब खेत जोतने में एंड इरीगेटिंग फील्ड्स मतलब खेत तक पानी पहुँचाने में. सम एनिमल्स कैरी लोड फॉर अस. कुछ एनिमल्स हमारे लिए लोड कैरी करते हैं. सम एनिमल्स ड्रॉ कार्ट्स. कार्ट्स मतलब गाड़ियाँ. कुछ एनिमल्स को कार्ट्स चलाने में यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल बुलक कार्ट्स होता है, हॉर्स कार्ट होता है. तो सम एनिमल्स ड्रॉ कार्ट्स. वी गेट यूजफुल थिंग्स लाइक वुल, लेदर एंड सिल्क फ्रॉम एनिमल्स. एनिमल्स से हमें यूजफुल थिंग्स भी मिलता है. यूजफुल थिंग्स मतलब जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होता है, लाभदायक होता है. फॉर एग्जाम्पल वुल मिलता है. वुल से क्या बनाते हैं? वुलन क्लोथ बनाते हैं. लेदर मिलता है. लेदर मतलब चमड़ा. चमड़े से क्या बनता है? पर्स बनता है, वॉलेट्स बनता है, बेल्ट बनता है, जैकेट्स बनता है, शूज़ बनते हैं. सिल्क से क्या बनता है? सिल्क के क्लोथ्स बनते हैं. द डंग ऑफ सम एनिमल्स इज़ यूज एज मैन्योर एंड फ्यूल. डंग मतलब गोबर. कुछ एनिमल्स के जो डंग होते हैं उन्हें हम खाद की तरह यूज़ करते हैं. एंड फ्यूल, फ्यूल मतलब जो चीज़ हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं. जैसे गांव में क्या होता है यूज़? ड्राइड डंग यूज़ किया जाता है. तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्यूल बोलते हैं. ना स्टूडेंट्स, दीज आर योर डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ चैप्टर 5 एंड योर होमवर्क विल बी दैट यू बी लर्निंग एंड राइटिंग दीज डिफिकल्ट वर्ड्स इन योर क्लास वर्क कॉपी. फर्स्ट वर्ड इज डोमेस्टिक. DOMESTIC, डोमेस्टिक. सेकेंड इज फार्म्स. FARMS, फार्म्स. फार्म्स मतलब खेत. थर्ड इज बैकयार्ड. BACKYARDS, बैकयार्ड. जो घर के जो पीछे जो थोड़ा हिस्सा होता है, थोड़ा जो पोर्शन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बैकयार्ड बोलते हैं. नेक्स्ट इज हेल्थ. HEALTH, हेल्थ. हेल्थ मतलब सेहत. फिफ्थ इज पाउल्ट्री. POULTRY, पाउल्ट्री. पाउल्ट्री फार्म में कौन रहता है? हेंस रहते हैं. हेंस का होम कहाँ है? कूप है. लेकिन अगर हेंस मीट और एग के लिए यूज़ किया जाता है तो उन्हें कहाँ रखा जाता है? पाउल्ट्री फार्म में रखा जाता है. नेक्स्ट इज वेजिटेरियन. VEGETARIANS, वेजिटेरियंस. जो फ्लैश खाते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन और जो फ्लैश नहीं खाते हैं उन्हें बोलते हैं वेजिटेरियन.
सेवेंथ इज नेक्टर, NECTAR नेक्टर, जो फ्लावर्स में जो जूस होते हैं जिसे इंसेक्ट्स जो सक करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेक्टर बोलते हैं। एट्थ इज प्लॉइंग, PLOUGHING, प्लॉइंग, प्लॉइंग मतलब खेत जोतने को क्या बोलते हैं, प्लॉइंग। नेक्स्ट इज BEASTS, बीस्ट्स, एंड दिस इज बर्डन, BURDEN, बर्डन, बीस्ट ऑफ बर्डन मतलब बीस्ट ऑफ बर्डन उन एनिमल्स के लिए बोला गया है जो जिनके जिन जो हम जिनको हम अपने काम के लिए यूज़ करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, बीस्ट ऑफ बर्डन। नेक्स्ट इज वुलन, WOOLEN, वुलन, वुलन मतलब जो वुलन क्लोथ्स किससे बनता है, वुल से बनता है। नेक्स्ट इज लेदर, LEATHER, लेदर, लेदर मतलब चमड़ा। नेक्स्ट इज वॉलेट्स, WALLETS, वॉलेट्स, वॉलेट्स मतलब पर्स। 14 इज एक्सपेंसिव, EXPENSIVE, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब महंगा। नेक्स्ट इज मैन्योर, MANURE, मैन्योर, मैन्योर मतलब खाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।